हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इनका डेफिनेशन देखेंगे मीनिंग देखेंगे एटीन में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आया था उसके बेसिस पे जो तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और उनका डिफरेंस देखेंगे क्योंकि एग्जाम में अक्सर आ जाता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड कॉमेंट करके बता दिया करो सो दैट आई गेट टू अंडरस्टैंड आप लोग को क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं तो लेट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम सबसे पहले समझ देते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आखिर में होते क्या है देखिए पहले क्या होता था जनरली जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते थे वो कैश से होते थे आपको भी पता होगा कि आप किसी भी शॉप पे अगर पैसा लेके जाओगे तो आप जो भी सामान शॉपकीपर से बोलोगे और आप उसको पैसा दोगे तो इन रिटर्न वो आपको सामान दे देगा तो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस पहले जो थे वो कैश पे होते थे फिर धीरे धीरे मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस लोग अडॉप्ट करने लगे और लोगों को लगा कि हम लोग कुछ एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं जो पैसे के ऑल्टरनेटिव होंगे मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होगी और हम उनको एक्सचेंज कर सकते हैं ताकि हमें हर जगह कैश ना कैरी करना पड़े जैसे कि आजकल क्या होता है अगर आपको कॉलेज में अपनी फीस तीन लाख चार लाख जितनी भी फीस आपकी है आपको सबमिट करनी होती है तो आप कैश देने की जगह एक चेक बैंक से बनवाते हो और वो चेक सबमिट कराते हो तो ये चेक क्या है चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच हैज़ सम मोनिट्री वैल्यू एंड इज एक्सचेंजेबल तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली आपके ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी कुछ मॉनिटरी वैल्यू होती है तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है तो आप बोलोगे सबसे पहली बात इट शुड हैव सम फाइनेंशियल वर्थ यानी कि उसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए खाली फालतू का चेक आप जाके कॉलेज में सबमिट करोगे तो आपको क्लास में नहीं बैठने देगा तो आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसकी कुछ फाइनेंशियल वर्थ यानी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए और सेकेंडली वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप इजीली उसको ट्रांसफर कर सको कोई दिक्कत ना आए तो ये बेसिक दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की अब ये डेफिनेशन देखते हैं A negotiable instrument is a written and signed document entitling a person to a sum of money specified in it and which is transferable from one person to another. कुछ भी नहीं है जो पीछे पड़ा था वही है एक written और signed document है जो एक बंदे को कुछ sum of money का entitlement देता है, which is transfer transferable from one person to another और ये document एक बंदे से दूसरे बंदे तक easily transfer किया जा सकता है। अभी तक हमने जितनी definition पढ़ी है उसके basis पे हम लोग characteristics देखते हैं। सबसे पहली है रिटन इंस्ट्रूमेंट विथ सिग्नेचर ये रिटन होता है और इसमें साइन होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कॉलेज में चेक डाल रहे हो तो चेक रिटर्न होगा और आपका सिग्नेचर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्रॉन फॉर कंजिडरेशन कुछ पैसे के लिए ड्रॉ करा जाता है अगर आप चेक कॉलेज में लिख के दे रहे हो तो आप कंजिडरेशन के लिए दे रहे हो ना अपनी फीस के लिए दे रहे हो कॉलेज वाला उससे पैसा विदड्रॉ कर सकता है तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ ड्रॉन फॉर कंजिडरेशन थर्ड कैरेक्टर से सीखे ट्रांसफ़र बाय एंडोर्समेंट और डिलीवरी मतलब जब आप चेक को ड्रॉ कर रहे हो आप चेक बना रहे हो कॉलेज के नाम पे आप उसको प्रॉपर साइन कर रहे हो तो मतलब आप इस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हो कि अब आपके कॉलेज वाले इतना अमाउंट आपके अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं यू आर ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम योर अकाउंट टू देयर्स बाय इंडोर्समेंट या फिर डिलीवरी आप चेक दे रहे हो उन्हें और आप उन्हें ये सजेशन दे रहे हो कि ठीक है आपने उनको ऑथराइजेशन दे दिया कि अब वो पैसा निकाल सकते हैं बेसिकली थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज़ ट्रांसफ़र बाय एंडोर्समेंट और डिलीवरी फिर फोर्थ है बोनाफाइड एंड वैल्यूबल कंजिडरेशन बोनाफाइड का मतलब होता है जेनुन एंड रियल रियल एंड जेनविन एंड वैल्यूबल कंजिडरेशन मतलब जो भी आप इशू कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट वो जेनुन होना चाहिए रियल होना चाहिए और उसका उसमें जितना भी अमाउंट है वो वैल्यूबल होना चाहिए कुछ भी आप उसमें फोर आप कुछ भी उसमें फोर्जरी नहीं कर सकते कुछ धोखाधड़ी नहीं कर सकते एकदम जेनविन और वैल्यूबल कंसिडरेशन होना चाहिए तो ये तो आपकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की कैरेक्टरस्टिक्स थी अब हम लोग देखते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 देखिए इंडिया में एटीन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आया इसका बेसिक काम था जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको गवर्न करेंगे उनकी फंक्शनिंग देखेंगे और उनको प्रॉपरली हम गवर्न करेंगे इस वजह से ये एक्ट निकाला गया अब ये जो एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ऑफ 1881 ये तीन चीज़ों को इंस्ट्रूमेंट्स की तरह कंसिडर करता है पहले आपका प्रोमिसरी नोट्स फिर आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरा है चेक ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स ये कंसिडर करता है इस एक्ट में अब हम लोग एक एक करके इन इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है सबसे पहला है आपका प्रोमिसरी नोट देखिए नाम से ही पता चल रहा है प्रोमिसरी नोट कोई प्रॉमिस किया जा रहा है और नोट है तो मतलब रिटर्न फॉर्म में किया जा रहा है ठीक है तो ये बेसिकली अगर इसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ तो आप एक शॉप पे जाते हैं और आपको दो शर्ट्स पसंद आती हैं शॉपकीपर आपसे बोलता है कि ये दोनों शर्ट्स का प्राइस फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ है आप उससे कहते हो कि भैया देखो मेरे पास अभी फ़िफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ नहीं है बट मैं आपको परसों को आके पूरे आपके पैसे पे कर दूंगा तो आप क्या करते हो अपने डायरी में से एक पेपर निकालते हो एक नोट लिखते हो कि आई प्रोमिस यू दैट आई विल पे योर मनी ऑन लेट्स से फिफ्थ ऑफ डिसम्बर ठीक है तो आप उसको प्रोमिस कर रहे हो शॉपकीपर को और आप वो नोट लिख रहे हो और आप उस नोट को साइन करके शॉपकीपर को दे देते हो तो ये जो नोट है इसको हम कहेंगे प्रोमिसरी नोट अब प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कंटेन्स अ रिटर्न प्रोमिस बाय वन पार्टी टू पे अनदर पार्टी प्रोमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक रिटर्न प्रोमिस एक पार्टी दूसरी पार्टी से करती है टू पे अ डेफरेंट सम मनी इधर ऑन डिमांड और एट अ फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट ताकि वो उसको एक फ्यूचर सम ऑफ मनी या तो शॉपकीपर की डिमांड के बेस पे या फिर अपने मन की एक स्पेसिफाइड डेट पे वो पे कर दे तो बेसिकली दो पार्टीज़ हैं एक पार्टी प्रोमिसरी नोट लिख रही है कि भैया मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इस इस डेट में आपका पैसा दे दूँगा बेसिकली प्रोमिसरी नोट आपका यही होता है जो पार्टी नोट इशू कर रही है उसको कहते हैं नोट इशूअर और मेकर और ड्रॉवर और जिसके लिए इशू कर रही है उसको कहते हैं पेई और ड्रॉई तो बहुत ईजी है ये प्रोमिसरी नोट कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है बेसिकली बस थोड़ा सा आपको ये टर्म्स ध्यान रखना होता है कि मेकर ड्रॉअर क्या है और पे ही और ड्राई क्या है बाकी इसमें कुछ भी कन्फ्यूजिंग नहीं है तो चलिए सबसे पहले फीचर्स देख लेते हैं प्रोमिसरी नोट से क्या होते हैं सबसे पहले इट शुड बी रिटर्न नॉट ओरल मुंह से बोली हुई बात वैलिड नहीं होती अगर आप दुकानदार से कह रहे हो कि नहीं मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं आपको पैसा दे दूंगा बट रिटर्न में आपने कुछ भी नहीं दिया तो दैट इज़ नॉट अ प्रोमिसरी नोट प्रोमिसरी नोट शुड बी रिटर्न फिर होता है मस्ट कंटेन स्पेसिफिक एंड सर्टेन डिटेल्स सच सजेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट रेट मेचोरिटी रेट डेट एंड प्लेस ऑफ इश्योरेंस देखिए अगर आप प्रोमिसरी नोट लिख रहे हैं तो उसमें सारी स्पेसिफिक और डिटेल्स सब कुछ होना चाहिए कि आपको दुकानदार को कितना पैसा देना है प्रिंसिपल अमाउंट अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है उस पर तो कितना इंटरेस्ट का रेट लग रहा है मेचोरिटी डेट क्या मतलब किस डेट पर आपको एग्जैक्टली exactly पैसा देना है एंड प्लेस ऑफ इश्योरेंस ये नोट कहाँ पर इशू हुआ है तो जितनी भी मेजर डिटेल्स होती हैं वो सब एक प्रोमिसरी नोट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिर अ थर्ड शुड बी साइंड बाय द मेकर इशूअर और ड्रॉअर जो भी नोट को इशू कर रहा है जो भी नोट को बना रहा है उसको साइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप दुकानदार को नोट दे रहे हैं तो आपको उसको सिग्नेचर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पे ही मस्ट बी अ डेफिनेट पर्सन जो भी आप जिसको भी पेमेंट कर रहे हैं जो शॉप कीपर है वो डेफिनेट पर्सन होना चाहिए आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं रमेश को सुरेश को किसी को भी किसी का भी लिख दिया कि मैं उसको पेमेंट कर दूँगा नहीं जिसको पेमेंट करना है दैट शुड बी अ डेफिनेट पर्सन और पेमेंट सिर्फ उसी को ही करना है एंड अनकंडीशनल प्रोमिस आप जो भी प्रोमिस कर रहे हो उसमें आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते जैसे कि अगर आप शॉपकीपर से कह रहे हो कि पर्सों को आप आके उसके फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ पे कर दोगे तो अब आप उसमें कंडीशन नहीं लगा सकते कि मैं पंद्रह सौ तब पे करूँगा जब ये मुझे दो टी शर्ट्स के साथ एक फ्री देगा नहीं इट शुड बी अनकंडीशनल तो ये आपके प्रोमिसरी नोट्स के कुछ फीचर्स हैं पहला है रिटर्न होना चाहिए ओरल नहीं होना चाहिए जितने भी स्पेसिफिक और सर्टेन डिटेल्स हैं नोट में सब कुछ प्रेजेंट होना चाहिए शुड बी साइंड बाय द मेकर जो भी नोट को इशू कर रहा है उसको उसका साइन करना ज़रूरी होता है पेई जो है वो एक डेफिनेट बंदा होना चाहिए मतलब नोट में एकदम प्रॉपरली लिखा होना चाहिए कि मैं इस बंदे को पेमेंट करूँगा तो पेई मस्ट बी अ डेफिनेट पर्सन एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस प्रॉमिस में कोई भी कंडीशन आप नहीं लगा सकते इट शुड बी अनकंडीशनल अब आपका सेकेंड इंस्ट्रूमेंट आता है बिल ऑफ एक्सचेंज देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या है ये एक ऑर्डर होता है प्रॉमिस नहीं होता प्रोमिस नोट में हमने क्या पढ़ा था आप शॉपकीपर को प्रॉमिस कर रहे थे इसमें क्या है शॉपकीपर आपको खुद से नोट बना के ऑर्डर दे रहे कि मेरा ऑर्डर है मुझको परसों को दो हजार रुपये दे देना लाकर। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटर्न ऑर्डर बाइंडिंग वन पार्टी टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी ऑन डिमांड और एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर बिल ऑफ़ एक्सचेंज बेसिकली एक रिटर्न ऑर्डर है जो एक पार्टी को बाइंड कर रहा है कि वो कुछ सम ऑफ़ मनी दूसरी पार्टी को पे करेगा डिमांड पे या फिर कोई फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट पे तो बेसिकली आसान शब्दों में समझें तो इसमें आपको किसी से वादा नहीं करना है जिसको आपको पेमेंट देनी है वो बंदा खुद आपको ऑर्डर देगा अगर आपको दुकानदार को पैसा देना है तो दुकानदार आपको नोट इशू करके देगा कि मेरा ऑर्डर है मुझको इस इस डेट में इतना पैसा पहुँचा देना तो ये एक रिटर्न ऑर्डर होता है एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ ये एक बंदा है राम राम जो है वो सोनू की शॉप पर जाता है और उससे कहता है कि देखो भैया मुझे कुछ सामान चाहिए पर मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो सोनू जो है वो उसको एक नोट बना कर देता है और उसको बोलता है आई ऑर्डर यू टू पे द मनी टू मी और मिस्टर मोहन मोहन जो है वो क्रेडिटर है दुकान का मालिक है तो सोनू जो भी पैसा लेता है वो इवेंचुअली मिस्टर मोहन के पास ही जाता है तो या तो जो राम है वो डायरेक्ट सोनू को पेमेंट करे तो भी वही बात है और या फिर डायरेक्ट मिस्टर मोहन को पेमेंट करें तो भी वही बात है इसीलिए वो अपने बिल ऑफ एक्सचेंज जो बना रहा है राम के लिए वो उसमें लिख रहा है या तो तुम मुझे पैसा दे दो या फिर डायरेक्टली मिस्टर मोहन को दे दो तो इस केस में हमने देखा तीन पार्टीज हो गई पहली पार्टी हो गई वो जो पैसा पे कर रहे हैं जिसको पैसा पे करना है मतलब कि आपका राम राम को इवेंचुअली पैसा पे करना है तो राम हो जाएगा आपका ड्रॉई फिर आपकी सेकेंड पार्टी आ रही है यानी कि सोनू सोनू वो है जो आपका बिल इशू कर रहा है जो आपका ऑर्डर इशू कर रहा है तो सोनू को हम क्या कहेंगे ड्रॉवर और इशूअर क्योंकि इसने ही आपका बिल ऑफ़ एक्सचेंज बनाया है इसको हम कहेंगे ड्रॉवर और आपकी थर्ड पार्टी है मोहन मोहन जो है इसको इवेंचुअली पैसा जाएगा क्योंकि ये शॉप का ओनर था तो इसको हम क्या कहेंगे पे ई द पर्सन हु रिसीव्स द मनी इज़ द पे ई तो अब अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाली स्लाइड पे वापस आते हैं तो अभी तक हमने ये समझ लिया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न ऑर्डर है जो एक पार्टी को बाइंड कर रहा है कुछ पैसा दूसरी पार्टी को देने के लिए तो अब इसमें क्या है तीन पार्टीज़ है जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल में बताया पहला है ड्रॉई ड्रॉई इज द पार्टी दैट पे द सम जो पार्टी सम को पे करेगी वो होगी आपकी ड्रॉई दूसरा होगा ड्रॉवर और मेकर ड्रॉवर और मेकर इज द पर्सन हु इशूज़ द बिल जो बिल इशू कर रहा है वो हो जाएगा आपका ड्रॉवर और पेई इज़ द फाइनल पार्टी हु रिसीव द सम पे ही वो पार्टी है जो सम रिसीव कर रही है जो पैसा रिसीव कर रही है अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा ज़रूरी नहीं होता कि दुकान में हमेशा दूसरा बंदा काम कर रहा हो कभी कभी दुकान का मालिक जो है खुद ही दुकान में जाकर बैठ जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि थ्री पार्टीज हो कभी कभी दो पार्टी भी हो जाती हैं आपका ड्रॉवर और पे ही सेम हो जाता है मतलब जो बिल इशू कर रहा है उसी को आपको पेमेंट करना है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा तीन ही पार्टीज़ हो कभी कभी दो पार्टी भी होती है अब फीचर्स देख लेते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अभी तक जो पढ़ा है वही है सबसे पहली बात रिटर्न होना चाहिए इट शुड नॉट बी ओरल इट इज़ एन ऑर्डर ये प्रॉमिस नहीं है ये एक ऑर्डर है ये आपको पे करने का ऑर्डर है अनकंडीशनल है इसमें भी कोई कंडीशन नहीं होती इट शुड बी अनकंडीशनल साइंड बाय द ड्रॉवर ऑफ मेकर जो बंदा इशू कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज को उसका सिग्नेचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑफ़न इंक्लूड थ्री पार्टीज मैंने पहले भी डिस्कस किया था इसमें तीन पार्टीज़ हो सकती हैं ड्रॉवर ड्रॉई एंड पेई ड्रॉवर जो नोट इशू कर रहा है ड्रॉई जो बंदा पे कर रहा है और पेई जिसको पेमेंट जा रही है और इसमें कभी कभी एक पार्टी दो रोल्स भी पे प्ले कर सकता है मतलब आपका ड्रॉवर और पेई सेम हो सकता है मनी इज़ द ओनली मीडियम ऑफ पेमेंट इसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि मनी इज़ द ओनली मीडियम ऑफ पेमेंट किसी और तरीके से पेमेंट नहीं करते पैसा ही लेके पेमेंट करते हैं बिल मस्ट भी डिलीवर टू पे और जो भी पैसा है वो पे को डिलीवर होना चाहिए तो ये आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फ़ीचर्स थे अब हम लोग एक बार प्रोमिसरी नोट्स और बिल ऑफ़ एक्सचेंज के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं वैसे मैंने जितना अभी तक पढ़ाया उससे डिफरेंस बन जाता है बहुत ईजी होता है फिर भी एक बार पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रोमिसरी नोट में प्रोमिस टू मेक द पेमेंट मैंने आपको पहले कई बार बता दिया प्रोमिसरी नोट में बंदा प्रोमिस करता है कि मैं आपका पेमेंट कर दूंगा बिल ऑफ एक्सचेंज है ऑर्डर फॉर मेकिंग द पेमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रोमिस नहीं होता बल्कि जो भी नोट इशूअर होता है वो ऑर्डर देता है कि मेरा पेमेंट करो तो प्रोमिसरी नोट इज अ प्रोमिस बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर अब सेकंड पॉइंट कहता है प्रोमिसरी नोट का इट इन्वॉल्व ओनली टू पार्टीज़ हमने पहले भी पढ़ा था इसमें दो पार्टीज़ होती हैं एक वो बंदा जो प्रॉमिस करता है और एक वो जिससे वो प्रॉमिस करता है बिल ऑफ़ एक्सचेंज में मैंने पूरा एग्जाम्पल लेके आपको बताया था राम सोनू और मोहन का कि इसमें थ्री पार्टीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं ड्रॉवर ड्रॉई और पेई ड्रॉवर जो नोट इशू करेगा ड्रॉई जिसको पेमेंट करना है और पेई जिसको पेमेंट जाना है तो बिल ऑफ एक्सचेंज कैन इन्वॉल्व थ्री पार्टीज़ प्रोमिसरी नोट इन्वॉल्व ओनली टू पार्टीज़ अब प्रोमिसरी नोट का थर्ड पॉइंट कहता है मेकर के नॉट बी देई देखिए अगर आपको जो मैंने जितने भी टर्म्स अभी तक बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा मेकर वो बंदा होता है जो प्रॉमिस कर रहा होता है पे ही इज द पर्सन हु रिसीव्स द मनी पे ही वो बंदा होता है जिसको पैसा एट दी एंड रिसीव करना होता है तो क्या प्रॉमिस करने वाला ही पे ही हो सकता है अगर आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो कि भैया मैं परसों को आपका पैसा दे दूंगा ये नोट लिख के दे रहा हूँ साइन करके तो क्या पैसा रिसीव करने वाले भी आप हो सकते हो नो no. तो ये पॉइंट वही कह रहा है मेकर के नॉट बी द पे जो बंदा नोट इशू कर रहा है जो प्रॉमिस कर रहा है वही पैसा रिसीव नहीं कर सकता दो पार्टीज होती हैं इसमें एक होता है ड्रॉवर और एक होता है पेई और दोनों पार्टी सेम नहीं हो सकती प्रॉमिस करने वाला ही बंदा पैसा रिसीव नहीं कर सकता लेकिन अगर हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो इसमें ड्रॉवर एंड पेई कैन बी वन मैंने पहले भी बताया था ड्रावर और पेई सेम बंदे हो सकते हैं क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर कौन होता है वो बंदा जो ऑर्डर इशू कर रहा होता है तो अगर शॉपकीपर आपको एक बिल ऑफ़ एक्सचेंज बना के दे रहा है कि मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूँ तीन दिन बाद मेरा पैसा पे कर देना तो क्या पैसा रिसीव करने वाला वो बंदा नहीं हो सकता हो सकता है बिल्कुल हो सकता है तो इसमें कह रहा है कि ड्रावर एंड पेई कैन बी वन नोट इशू करने वाला और पैसा रिसीव करने वाला बंदा सेम हो सकता है बट प्रोमिसरी नोट में ऐसा नहीं होता है क्योंकि प्रोमिसरी नोट में जो पैसा रिसीव कर रहा है वो बंदा बिल्कुल अलग है और नोट बनाने वाला बंदा है वो जिसको पैसा देना होता है बट बिल ऑफ एक्सचेंज में नोट बनाने वाला भी वही हो सकता है जिसको पैसा लेना है तो ये पॉइंट बस इतना ही कह रहा है कि मेकर के नॉट बी द पे एंड इसमें ड्रॉवर एंड पेई कैन बी वन फोर्थ पॉइंट कह रहा है प्रोमोसरी नोट का इट रिक्वायर्स नो एक्सेप्टेंस एट इज़ साइंड बाय द पर्सन हु इज लाइबल टू पे अगर आप खुद ही प्रोमिसरी नोट बना के दे रहे हो खुद साइन करके दे रहे हो तो आपको उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत थोड़ी है ऑब्वियस सी बात है कि वो आपने एक्सेप्ट करा है तभी आपने नोट बना करके दिया है तो ये पॉइंट कह रहा है प्रोमिसरी नोट में इट रिक्वायर्स नो एक्सेप्टेंस एज इट इज़ साइंड बाय द पर्सन हु इज़ लायबल टू पे क्योंकि जो बंदा जिसको पैसा देना उसने ऑलरेडी खुद ही साइन करके नोट दिया है तो इट रिक्वायर्स नो एक्सेप्टेंस बट बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हो रहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ड्रॉई टू एक्सेप्ट द ऑर्डर जिस बंदे को पेमेंट करना है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो ऑर्डर एक्सेप्ट करे क्योंकि नोट दूसरा बंदा जिसको पेमेंट रिसीव करनी है वो बना के दे रहा है अगर शॉपकीपर आपको कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दे रहा है तो जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो वैलिड नहीं होता है इसीलिए बिल ऑफ़ एक्सचेंज में इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ड्रॉई टू एक्सेप्ट द ऑर्डर जिस बंदे को पेमेंट करनी है उसके लिए ऑर्डर एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है अब हम लोग अपना लास्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है हम सबको पता है चेक अ चेक इज अ रिटर्न डेटेड एंड साइंड इंस्ट्रूमेंट दैट डायरेक्ट्स अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू द बेर चेक एक रिटर्न डेटेड और साइंड इंस्ट्रूमेंट है जो एक बैंक को डायरेक्शन देता है कि इतना इतना पैसा सामने वाले बंदे को दे दो द पर्सन राइटिंग द चेक इज द पेयर और ड्रॉवर जो बंदा चेक लिख रहा है वो हो जाएगा ड्रॉवर या फिर पेयर क्योंकि वो पैसा दे रहा है दैट मीन्स ही इज द पेयर एंड द पर्सन टू होम द चेक इज रिटर्न इज द पे जिस बंदे को वो पैसा दे रहा है जिसके नाम पे चेक लिख रहा है वो हो जाएगा पे ड्रॉई कौन होता है इस केस में बैंक ऑन विच द चेक इज ड्रॉन अगर आप बैंक ऑफ इंडिया का चेक ले रहे हो तो ड्रॉई हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया वो बैंक जिसके नाम पे चेक ड्रॉ किया जा रहा है तो चेक में भी हमारी तीन पार्टीज हैं वो बंदा जो चेक लिख रहा है दैट इज द पेयर और द ड्रॉवर जिसके नाम पर चेक लिख रहा है दैट इज द पेई और ड्रॉई इज द बैंक ऑन विच द चेक इज ड्रॉन तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वही है बस सिमिलर ही है सब कुछ थोड़ा बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है कुछ भी टफ़ नहीं है चलिए अब जल्दी से हम लोग चेक के फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या होता है सबसे पहले है साइंड बाय ड्रॉवर जो भी बंदा चेक इशू कर रहा है उसको उस पर सिग्नेचर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिना सिग्नेचर के चेक वैलिड नहीं रहता अनकंडीशनल ऑर्डर ऑन स्पेसिफाइड बैंकर जिस भी बैंक को आप स्पेसिफाई कर रहे हो जिस भी बैंक का चेक है उस पर ही अनकंडीशनल ऑर्डर होता है बैंक ये नहीं कह सकता कि नहीं हम आप सामने वाले बंदे को तभी पैसा देंगे जब आप ये काम करोगे नहीं कोई भी कंडीशन बैंक नहीं लगा सकता है ये बैंक के ऊपर एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है और थर्ड फीचर है पे टू स्पेसिफिक पर्सन और टू बेरर हम सबको पता है चेक में जितना भी अमाउंट होता है हम उसी बंदे को पे कर सकते हैं जिसका नाम चेक में मैंशन है ऐसा नहीं है कि कोई भी जा कर के पैसा निकाल लेगा तो थर्ड फीचर है पे टू स्पेसिफिक पर्सन और टू बेरर अब हम लोग वीडियो का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है तो पहला पॉइंट है ड्रॉई इज़ ऑलवेज अ बैंक चेक के केस में जो ड्रॉई होगा वो हमेशा बैंक होगा बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में एनी वन कैन बी अ ड्रॉई कोई भी बंदा एक ड्रॉई हो सकता है बट चेक में ड्रॉई इज़ ऑलवेज अ बैंक चेक में अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें इट रिक्वायर्स नो एक्सेप्टेंस ऑब्वियसली आप साइन करके सब कुछ दे रहे हो तो अभी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बता दिया ये ऑर्डर होता है और जब कोई बंदा आपको कुछ इशू कर रहा है तो उसको फॉलो करने के लिए पहले आपको उसको एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है, है तो बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस थर्ड पॉइंट चेक का अमाउंट इज़ ऑलवेज़ पेबल ऑन डिमांड चेक में आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने मन से कोई स्पेसिफाइड डेट दे दो तो अमाउंट हमेशा डिमांड पे पे होता है जो सामने वाला बंदा कह रहा है वही डेट पे हमेशा आपको पे करना है तो चेक इज़ ऑलवेज़ पेबल ऑन डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज में इट कैन बी पेड ऑन डिमांड और आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम मतलब जब सामने वाले बंदे ने पैसा मांगा है तब भी पे कर सकते हो और उस स्पेसिफाइड टाइम के बाद भी पे कर सकते हो चेक में ऐसा नहीं है चेक में अमाउंट इज़ ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अमाउंट में बी पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम लास्ट पॉइंट है अ चेक कैन बी क्रॉस हम सबको पता है चेक को क्रॉस कर सकते हैं बेसिकली चेक को क्रॉस करने का मतलब होता है कि हम एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इससे पैसा कैसे निकल सकता है सिर्फ एक बैंकर के थ्रू ही निकल सकता है तो चेक अ चेक कैन बी क्रॉस जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता क्रॉसिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक हम लोग ने देख लिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कुछ समझ नहीं आए तो कॉमेंट करके पूछ लेना एंड uh, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइबड ये हेट प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड कॉमेंट करके मुझे बता देना वीडियो मतलब में क्या दिक्कत है कुछ प्रॉब्लम है कुछ समझ नहीं आ रहा है या अच्छी लग रही है वॉट एवर जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग